आदरणीय आदरणीय महाविद्यालय उपस्थित उपस्थित नागरिक नागरिक सज्जन सज्जन का भ्रमण का भ्रमण ये शांति संतुलन ये अपना 78वां स्वतंत्र दिन संपन्न कर रहे पूरे देश के लिए अपने मन में भीड़ से चिंतन करने का आज दिन है। लेकिन ये केवल जीवन चिंतन करके करके बात रुकती नहीं। स्वातंत्र प्राप्त हुआ तो कहते होगा एक लंबा संघर्ष चला, अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो हमारे लिए आज भी जो प्रेरणा गायक चरित्र है इतनी लंबी माली नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इतना बड़ा देश जितनी बड़ी संख्या है तो उनकी संख्या भी बहुत है, परंतु केवल लड़के ऐसा नहीं है। तो सफलता जब सामान्य व्यक्ति के लिए रस्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया, अनेक लोग जेल में गए, बार बार कारावास वाले भी बहुत लोग रहे, और इससे शक्ति जितनी उतना उसने किया। लेकिन सबके मन की बात की थी, और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें बनी कब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उनका हम स्मरण करते प्रबंधन करते हैं, साथ में यह भी समझते हैं कि बड़ी मेहनत पाई। वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में धार रंगना और उसकी रक्षा करें, इसका दायित्व होता है। क्योंकि विश्व में ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारे स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता किया, उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है। उसके लिए संविधान का अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति पर चलते रहे, परिस्थिति अच्छी रही। परंतु देश का सामान्य भी हम स्वतंत्र करनी है और चलता है, उसके कारण जो वातावरण बनता है स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति जा रही है, पड़ोसी देश बहुत उत्पात हो रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारत में ऐसा है कि
स्व रक्षा स्वयं का होता है लेकिन भारतवर्ष का यह रही है अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बढ़ा सकता है। तो इसलिए पिछले पिछले वर्षों का उपेक्षा होते ही हमने कभी कभी आक्रमण नहीं किया। जब जब जो जब जो संकट उठा उसको मदद की वो हमारे साथ व्यवहार करता है जो संकट जो संकट में है उसकी मदद करना। ये हमारा देश ऐसा ऐसा हमें चलना है कि दुनिया भर के मित्रों के लिए हम करते हैं सरकार भी करती है। ऐसी परिस्थिति में देखना ठीक रहे और अन्य देशों को हमारे को हमारी मदद हो और उन देशों देशों में ये जो अस्थिरता लोग हैं उनको कोई बेहतर न हो उन पर कोई हो ये देखना इसी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को हथियार को सही करने पड़ते हैं परंतु ये सब करने की शक्ति तब मिलती है तब सामान्य समाज इस प्रकार की लगता देश के लिए सर्वस्व लेकर जीता है। जब गुलामी की स्वतंत्रता लाने के नाम पड़ना भी पड़ा स्वतंत्रता की रक्षा सीमा पर लड़ने वाले जवान बलिदान करते उनके चिंता करना वो सीमा पे रहते हैं क्योंकि हम सोच सके तो उनके परिवार की चिंता करना स्व चाहे सबका अधिकारी आचरण करना और देश के लिए सभी प्रयास बनना इसी प्रकार से अनुशासन स्पर्श समाज में कहीं नहीं देना। ये जब सामान्य समाज है आज हम वो सब को उसके साथ अनेक बलिदानों से इस स्वातंत्र्य के लिए हमने अपने लिए पाया लंबे समय के साथ पाया उसको ऐसे वैसे में इधर उधर होने न देना। ये हम सब का नागरिक के नाते इस देश के समाज के घटक के नाते आभार महिला सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य परेशान होने के लिए हमारे जीवन छोटी छोटी बातें की बातें ठीक करके व्यवस्थित करना पड़ता है उसको समझ कर उस करें ऐसी एक आशा विश्वास और विनंती आप सबके सामने रखता हूँ और मेरे चार समाप्त।